This program is sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. DNS Polyfab Private Limited के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS Polyfab यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ DNS Polyfab पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1,00,000 टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9113287947। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा हमारे हनुमान। गीता प्रेस विश्व की महान धरोहरों में से एक है जो अब तक 1 शतक पूरा करने जा रही है। यह अपने सनातन साहित्य से ज्ञानवर्धन के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने का भी कार्य कर रही है। आज हम इसी सनातन साहित्य के कुछ तथ्य, कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो दर्शकों, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अब ले चलती हूँ आप सभी को महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ से शांतम से सीधे पंडित विजय शंकर मेहता जी आपका और हमारा अपनी ओजस्वी वाणी में ज्ञानवर्धन करेंगे और हमें अवगत कराएंगे हमारे इस साहित्य ज्ञान गंगा से। पवन तनये तुम एक आधारा, कथा कहूं मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग सनातन साहित्य के महाकुंभ के इस व्याख्यान श्रृंखला में कलयुग से जुड़े साहित्य विषय और चिंतन पर बात करेंगे। मैं बोल रहा हूँ इस समय शांतम से। मध्य प्रदेश की नगर उज्जैन में स्थापित शांतम विश्व का पहला हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र है। मैं यही निवास करता हूँ। तो इस पवित्र स्थान में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी और माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के चरणों में सादर नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभ दास जी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए। देवियों और सज्जनों, आपको मैं स्मरण करा दूं कि 100 वर्ष हो जाएंगे अगले वर्ष 2023 में गीता प्रेस को।
और जो अद्भुत कार्य, अतुलनीय कार्य गीता प्रेस ने किया है, ये उसका गुणगान नहीं है, ये उसी अनुष्ठान को अब एक नई पीढ़ी से जोड़ने का उपक्रम है। अब इतना बड़ा साहित्य जिसकी 72 करोड़ पुस्तकें छपी हों, कैसे पहुंचे? तो विचार ये किया कि चलो चार भाग में बांट लेते हैं। हमारा जीवन भी चार भाग में बटा और हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, तो पहला हुआ सतयुग और उसको जोड़ लेते हैं हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है। वेद पुराण की हम बातचीत कर रहे हैं और उसी क्रम में हम भागवत की चर्चा करते हैं। फिर आता है त्रेता, भगवान श्री राम की कथा, हनुमान चालीसा, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, ये आधार है। और यहाँ हम अपने पारिवारिक जीवन को स्पर्श करते हैं। फिर जब हम द्वापर में आते हैं तो हमारा सामाजिक, हमारा राष्ट्रीय जीवन हम देखते हैं और महाभारत और गीता के माध्यम से चिंतन कर रहे हैं। पिछले शनिवार यही किया था और आज कलयुग की बात करते हैं। देखिए, कलयुग में हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जोड़ा है और पंच तत्व की बात की है। और पंच तत्व में पहले महाराज गणेश जी, तो उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। आज उसी क्रम को बढ़ाएंगे और विचार करेंगे कि क्यों गणेश जी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में आज कलयुग में जरूरी है। हम सब खूब पूछते हैं गणेश जी को, लेकिन याद रखिए कि आपके व्यावसायिक जीवन में जब आप पर दबाव हो, तनाव हो, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप लगे हुए हों, सफलता आपका उद्देश्य हो, तब कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग थोड़े भटक भी जाते हैं। तो बात चल रही है गणेश जी महाराज की। आइए, मैंने आपसे कहा था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं और चार पुरुषार्थ देने वाले गणेश जी हैं। धर्म और अध्यात्म का अंतर भी विवेक से आता है। बहुत सारे लोग धर्म अध्यात्म का अंतर नहीं समझ पाते क्योंकि विवेक नहीं है। अच्छा, गणेश जी बुद्धि के नहीं, विवेक के देवता हैं। अगर आपके पास विवेक नहीं है तो ये बुद्धि आपसे गलत काम करा जाएगी, और बुद्धिमान लोग गलत काम कर ही रहे हैं। इस समय देखा जाए तो बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग, क्योंकि विवेक नहीं, और विवेक गणेश जी देते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है विवेक की। हमारा जो डिस्क्रिशन पावर है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, वरना आप धर्म का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। धर्म देह है, अध्यात्म आत्मा है। धर्म बाहर का मामला है, अध्यात्म भीतर का मामला है। अगर अध्यात्म का सहारा नहीं है, समझ नहीं है, तो धर्म केवल एक नौटंकी हो जाएगी, पाखंड हो जाएगा, प्रदर्शन हो जाएगा, आदत हो जाएगी। तो यहां विवेक काम आता है, इसीलिए हम गणेश जी को याद कर रहे हैं, गणेश जी को पूज रहे हैं। तो आज अर्थ से शुरू करते हैं, सारी दुनिया इसी के पीछे तो पड़ी है, अर्थ। सब चाहते हैं धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हम लोग जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो आजकल गणेश जी उनके साथ रहते हैं। ध्यान देना आप, पहले शास्त्रों में लक्ष्मी जी की पूजा जब की जाती थी तो उनके साथ कुबेर होते थे, कुछ चित्रों में इंद्र भी नजर आए, लेकिन धीरे धीरे अब गणेश जी के साथ। और बड़ी बहुत अच्छी बात है कि गणेश जी लक्ष्मी पूजा में साथ में हो लक्ष्मी जी के, तो जो आप धन अर्जित करेंगे वो विवेक से करेंगे, बचत विवेक से करेंगे और खर्च भी विवेक से करेंगे। तो लक्ष्मी को गणेश जी के साथ पूजने का बड़ा महत्व है। कोई काम हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे चिंतकों ने ऐसे नहीं किया, बहुत सोच समझ के किया। यदि आपके पास विवेक नहीं है, केवल बुद्धि है, तो आप धन तो कमा लेंगे लेकिन दुरुपयोग हो जाएगा उस धन का, इसलिए विवेक चाहिए। तो आजकल लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी पूजे जाते हैं और वैसे भी इनका रिश्ता है। कुछ शास्त्रों में लक्ष्मी जी को दक्ष की बेटी भी बताया है
और पार्वती जी भी बेटी तो मौसी हो गई उनकी। तो मौसी भांजे का भी चित्र मान लें आप, अगर लक्ष्मी जी के साथ इनको देखें। गणेश जी अगर हमारे जीवन में हैं तो हम लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ शास्त्रों में गणेश जी को ऋण मोचक भी कहा है। बड़ा अद्भुत स्वरूप है गणेश जी महाराज का, बड़ा अद्भुत ऋण मोचक। आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारा लोन लेते हैं, तमाम विज्ञापनों में लोन मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। कईयों की तो पूरी जिंदगी ऋण लेने में, ऋण को जीने में और ऋण को चुकाने में बीत जाती है। आजकल बड़ा ट्रेंड है ये। तो गणेश जी को ऋण मोचक भी कहा। यदि आपने जीवन में लोन लिया हो, ऋण लिया हो और आपको चुकाने में बाधा आ रही हो तो गणेश जी की पूजा करिएगा। एक तरीका बताता हूँ आपको, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, खासतौर पे आपकी ऋण संबंधी धन संबंधी समस्या का निदान होगा। अब यहाँ ये भी चर्चा करते चलें कि गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। तो एक कथा आती है कि एक बार यमराज का एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा से संबंध बना, वो मोहित हो गए उस पर, तो उनके यहाँ संतान का जन्म हुआ और वो बना राक्षस अनलासुर, और इतना परेशान करता। तो देवता उससे दुखी होकर गणेश जी के पास गए, तो गणेश जी ने अनलासुर को मुंह में रख लिया। अब उसकी गर्मी सहन नहीं हुई, सबने सब किया सहन नहीं होती अनलासुर को। दो पिताजी ने एक बार विष को पी लिया था तो गर्मी आ गई थी शंकर जी ने, यहाँ बेटे अनलासुर को पी रहे गर्मी आ गई, लेकिन शांत नहीं होते। इंद्र ने अपना चंद्रमा दिया बाद में अनलासुर की अग्नि शांत करने के लिए, जब उसको समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सौंप दी, दो पुत्रियां हैं आगे चर्चा करेंगे, तो वो दी उनको। विष्णु जी ने कमल सौंपा, वरुण देवता ने जल से जलाभिषेक किया, शिव जी ने वासु की नाग सौंपा उस विष को, अनलासुर के विष की अग्नि को समाप्त करने के लिए। और उसके बाद 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रत्येक ने 21 जोड़ी दूर्वा गणेश जी को चढ़ाई और वो शांत हो गए। तो जैसे हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं और शिव जी को बड़ा आनंद आता है, ऐसे ही मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि धन संबंधी समस्या हो तो दूर्वा, हरी घास होती है ना छोटी, उसको दूर्वा कहते हैं, वो गणेश जी को निमित चढ़ाइए। और शांति चाहते हैं तो भगवान शंकर को जल चढ़ाइए। इसीलिए गणेश जी बड़े अद्भुत हो जाते हैं। मैं बार बार आपको धन और गणेश जी को इसलिए जोड़ रहा हूं कि आज हम सबका, आप बुरा मत मानिए, सबका उद्देश्य यही है धन कमाना, और होना भी चाहिए। लेकिन धन कमाने के चक्कर में इतने बावले हो जाते हैं हम लोग, इतने बावले हो जाते हैं। और कई बार तो मनुष्य धन के लिए कुछ ऐसे काम करने लगता है जो उसके मनुष्य होने की मर्यादा के बाहर हो जाते हैं। और जब वो ऐसे काम करता है तो एक टिप्पणी की जाती है मनुष्य के ऊपर कि ये पशु हो गया, इसने जानवर जैसे काम किए हैं, ऐसा कई बार देखने में आता है। और ख़ास तौर पर जब मनुष्य अपराध करता है तो बिना पशु वृत्ति के वो कर भी नहीं सकता। यहाँ हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि नर गजात्मक देह है गणेश जी महाराज की, पशु भी हैं और मनुष्य भी हैं। तो हमारे भीतर हम गणेश जी को जो पूजते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि पशुत्व का दुरुपयोग क्या करा देता है आदमी। पशु होना दोष नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास जो विवेक है वो उसके पशु होने का भी सदुपयोग करा सकता है। क्या अंतर है पशु में और मनुष्य में, चलिए इसी पर विचार कर लें गणेश जी के माध्यम से। सामान्य रूप से देखा जाए तो अंतर होगा मजबूरी का। अगर आप ऊपर ही ऊपर देखें, पशु मजबूर होता है और मनुष्य अपने पुरुषार्थ से स्वयं की इच्छा का जीवन जी सकता है।
ये है सतही, यह है ऊपर का दृश्य। पशु के पास अंतःकरण की जानकारी नहीं होती, लेकिन मनुष्य इसकी जानकारी रख सकता है। हर मनुष्य शरीर मन और आत्मा से बना है, उसके भीतर एक अंतःकरण है और उसमें चार बातें होती, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। तो मनुष्य के पास ये चारों बातें हैं, और जो मनुष्य अपने अंतःकरण को नहीं जान पाता, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को नहीं समझ पाता, वो मनुष्य पशु की तरह व्यवहार करता है, ऐसा कहा जाता है। चूंकि बात गणेश जी की चल रही, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मृत्यु तो पशु की भी होना है, जन्म उसका भी होता है, मनुष्य का भी जन्म होता है, मनुष्य की भी मृत्यु होती है, लेकिन फिर इन दोनों में अंतर क्या है। शास्त्रों में पशु को तिर्यक कहा है। अब आइए जरा समझे तिर्यक का क्या अर्थ होता है। तिर्यक का अर्थ होता है कि पशु का शरीर धरती के समानांतर होता है, पैरेलल। यदि कोई पशु जमीन पर है तो उसका सिर, उसका हृदय, उसका पेट, उसकी इंद्रियां सीध में रहेंगी, क्योंकि चार पैर से चलता है, तिर्यक है। तो उसका सारा शरीर, उसकी सारी इंद्रियां धरती से समानांतर हैं। तो इसका केवल अर्थ यह है कि पशु के लिए इन सब का मूल्य एक जैसा है, सब समानांतर है, कोई भेद नहीं है इधर उधर। इसलिए पशु में जितनी इंद्रियां हैं, जितनी योग्यता हैं, सब समानांतर हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सिर, उसका हृदय, उसकी पेट, उसकी इंद्रियां, कोई का अलग अलग उपयोग नहीं है, उसके लिए सब एक जैसा है, एक जैसा उपयोग करता है। तो उसको सिर के उपयोग में भी कोई लज्जा नहीं है, इंद्रियों के उपयोग में कोई लज्जा नहीं, कोई समझ नहीं, क्योंकि पैरेलल है पशु, तिर्यक। लेकिन मनुष्य तिर्यक नहीं होता, मनुष्य समानांतर नहीं होता, मनुष्य सीधा खड़ा होता है। आप देखिएगा, मनुष्य का क्रम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है। सबसे पहले उसकी बुद्धि है, तो बुद्धि की प्रधानता होगी मनुष्य में, और वो श्रेष्ठ रहेगी। उसके नीचे हृदय, फिर संवेदनाएं, फिर पेट आएगा, धीरे धीरे कामनाएं। मनुष्य की कामनाएं तृप्त नहीं होती, लेकिन वो प्रयोग करता रहे तो कामनाओं को तृप्त भी कर सकता है। फिर पेट, उसके बाद उसकी इंद्रियां, जहां भोग विलास है। तो मनुष्य के लिए क्रम है, वो चाहे तो सात चक्र पे नीचे से ऊपर ऊर्जा उठा सकता है तो वो श्रेष्ठ हो सकता है, वो चाहे तो ऊर्जा को ऊपर से नीचे गिरा दे तो वो पशु हो सकता है। तो हमारे भीतर जो संभावना परमात्मा ने छोड़ी है वो यही है कि हम ऊपर भी उठ सकते हैं, हम नीचे भी गिर सकते हैं। तो यदि हम अपने अंतःकरण के प्रति जागरूक हैं तो हम श्रेष्ठ मनुष्य हैं। हम अपनी इंद्रियों का सदुपयोग कर सकेंगे, कर रहे होंगे, और यदि इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि आप जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो ये बड़ा अंतर है पशु में। लेकिन गणेश जी की देह में पशु भी है और मनुष्य भी है, और उन दोनों के बीच का अंतर वो कैसे मिटाते हैं? विवेक से। इसलिए मैं गणेश भक्तों से निवेदन करूंगा, अपने विवेक को जागृत करिए। गणेश की पूजा का अर्थ औपचारिक ना रह जाए, उत्सवी ना रह जाए। बहुत सारे संत हमारे देश में हुए जिन्होंने गणेश उपासना को नया रूप दिया है। उन्होंने गणेश जी के तीर्थ स्थापित किए हैं। ऐसा कहते हैं देश में गणेश जी के 21 तीर्थ बड़े लोकप्रिय हैं, ख्यात हैं। उनमें से 16 महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जो संत हुए, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, रामदास, तुकाराम जी, ये जितने संत हुए,
इन्होंने बड़े अद्भुत ढंग से गणेश जी की उपासना की है। ज्ञानेश्वर जी ने जो ज्ञानेश्वरी रची उसमें बड़े सुंदर ढंग से गणेश जी की उपासना भी की। एक बात और करते चले, एक मौर्या गोसावी नाम के संत हुए महाराष्ट्र में। गोसावी संत के लिए कहा गया, वो गणेश जी के उपासक थे। उनका गांव था मौर्या, तो मोर गांव में वो रहते थे। तो उन्होंने मोर गांव का मौर्या ऐसा गणेश जी, मौर्या मतलब मयूरेश्वर को मौर्या कहा गया, उसका अपभ्रंश हुआ। तो मोर गांव का मयूरेश्वर तो उन्होंने नाम दिया मोर गांव का मौर्या, और मौर्या गोस्वामी उनका नाम था। उत्सव किया, तभी से ये नारा चल पड़ा, गणपति बप्पा मौर्या। आज भी हम पुकारते हैं इसको। जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं ना, तो देखो कितनी बढ़िया बात है। स्थापना मतलब सृजन, और इनकी मूर्ति का विसर्जन करते हैं फिर। जीवन सृजन और विसर्जन, इन दोनों का संतुलन है। बहुत सारी चीजें आप ही बनाते हैं, और एक समय आता है कि बहुत सारी चीजें बिगड़ भी जाती हैं, विसर्जन हो जाता है। हम संतान पैदा करते हैं, परिवार बनता है, एक दिन हम चले जाते हैं या संतान चली जाती है, तो वो विसर्जन हो जाता है जीवन का। कभी हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो मुनाफा होता है, कभी उसी काम में घाटा हो जाता है, तो टूट मत जाइए। अगर आप गणेश के भक्त हैं तो सीखिए, आज स्थापना हुई, कुछ दिन बाद विसर्जन हुआ, फिर स्थापना हुई, ये क्रम है जीवन का। चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, इस क्रम से निराश नहीं होना है। चलिए, अब गणेश जी के स्वरूप में जो बहुत ही आश्चर्यजनक उनका जो अंग है उसकी हम चर्चा करते ही चल रहे हैं। तो एक आपने देखा होगा उनके हाथ में अंकुश होता है, हमने चर्चा की थी पिछली बार उनके उनके कर्ण की, उनकी आंखों की, सूंड की। अभी हम बात करते हैं उनके हाथ में जो अंकुश है उसकी। अंकुश मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना। महावत के पास एक अंकुश होता है, छोटा सा होता है, लेकिन उससे वो हाथी को कंट्रोल करता है। जीवन में बहुत सारी चीज़ों पर अंकुश लगाना पड़ता है, और ख़ास तौर पे भोग विलास को। ये जो गणेश जी के हाथ में अंकुश है, ये है विवेक का अंकुश, संयम का अंकुश। धन कमाने निकलेंगे, नाम कमाने निकलेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में उतरेंगे, ये सब चीज़ें आएंगी, पर ध्यान रखना खूब धन कमाना, खूब नाम कमाना, पर भोग और विलास में खर्च मत करना। इसका अंकुश लगाना पड़ेगा, जीवन में कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए जब भी गणेश जी के दर्शन करें, उनके पूरे अंग को ऐसे क्लॉकवाइज दर्शन करिए, ये अंग देखिए, इसका प्रतीक का क्या उद्देश्य है दूसरे का। और जब आप अंकुश पे आए तो विचार करना कि मुझे अपनी गलत आदतों पर, गंदी बातों पर, अनुचित कृत्यों पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसा संदेश वो गणेश जी दे रहे हैं जिनके मैं दर्शन कर रहा हूं। फिर आपने देखा होगा गणेश जी के हाथ में पाश भी है, बांधने के लिए एक छोटा सा रस्सी जैसा, पाश कहते हैं, उससे बांधा जाता है। ये पाश क्या संदेश दे रहा है? ये पाश संदेश दे रहा है कि हम अपने परिवारों में एकजुट होकर रहें, हम अपने कर्तव्य से बंधे रहें, हमारे पास कोई अधिकार आए तो उस अधिकार के पीछे भोग नहीं कर्तव्य देखें। ये पाश है। जो अपने कर्तव्य से बंधा होता है वो गलत काम कभी नहीं करता, उसके लिए वो कर्म, वो कर्तव्य प्रधान है। अधिकार क्या मिला ये प्रधान नहीं है। हमारा कर्तव्य है, हम कितनी ही दुनिया में जाएं, प्रोफेशनल लाइफ जिए, पर फैमिली लाइफ के लिए ही कर रहे हैं तो उसको भी मेंटेन करें। तो ये पाश है। फिर आप देखना गणेश जी की वर मुद्रा बड़ी प्यारी है। ऐसे वर मुद्रा में वो कह रहे हैं परोपकार करो, ये हाथ खुला रखो। अगर आपके पास आपके परिश्रम, आपकी योग्यता से और ऊपर वाले की कृपा से कुछ अतिरिक्त है तो बांट दो दूसरों में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो इस संसार में वो अर्जित नहीं कर पाए तो आपका दायित्व है। तो गणेश जी की ये तीन मुद्राएं आपको समझाती हैं कि थोड़ा समझो भाई, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, पर समझ के कमाओ, बावले मत हो जाओ। और सचमुच आजकल लोग लगे हुए हैं, सुबह से रात तक दौड़ रहे हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है, एक जूली नाम की घोड़ी थी और उसका जो घुड़सवार था, वो जो रेस होती ना, उसमें घोड़ों की रेस में वो घुड़सवार उसको तैयार करके दौड़ाता। एक बार घुड़सवार को लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी इस बार की रेस में जो तुम्हारी घोड़ी है वो तो गर्भवती है, तो वो प्रथम कैसे आएगी? तो घुड़सवार ने कहा मुझे कॉन्फिडेंस है, प्रथम आएगी। लोगों ने कहा कमाल है। और जब रेस में वो उतरी तो वो प्रथम आ गई। तो उसके मित्रों ने पूछा उस घुड़सवार से जो जैकी कहलाता है कि तुमने आखिर तुम्हारी घोड़ी जूली फर्स्ट कैसे आ गई? बोले वो तो छोड़ो, वो गर्भवती थी फर्स्ट आ गई, वो तो छोड़ो, लेकिन चलती रेस में उसको गर्भ हो गया और बच्चा पैदा हो गया, फिर भी दौड़ गई। तो लोगों ने कहा कमाल की घोड़ी तुम्हारी। तब उसने कहा अरे कमाल तो तुमने अभी सुना ही कहाँ है, कमाल तो ये है कि जो बच्चा पैदा हुआ उसको घोड़ा, वो ऐसा दौड़ा माँ के पीछे कि फर्स्ट माँ आई और सेकंड बच्चा आ गया। अब जरा सोचिए कैसी दौड़ चल रही है सफल होने की, प्रथम होने की, शीर्ष पे जाने की। ये गलत नहीं है, इसके तरीके गलत हो सकते हैं। संभल के करिए, बावले ना हो जाएं। ये बात मैं कई बार दोहराता हूं कि दुनिया दौड़ने से मिलती है और दुनिया बनाने वाला रुकने से मिलता है। ये जो प्रसंग हम गणेश जी का सुन रहे हैं, इस प्रसंग में जो भाव जाग रहे हैं, वो भाव हमको समझा रहे हैं भाई थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, वरना आप क्या हासिल करेंगे? सजे धजे बाजार में मिलता सब सामान, मुश्किल है बस ढूंढना एक भला इंसान। ये बाजार सजा है, आपको उतरना है बाजार में, लेकिन अपने भीतर की भलाई, शराफत, अच्छाई और मनुष्यता बचाने के लिए आपको जिस विवेक की जरूरत पड़ेगी वो मिलती है गणेश उपासना से। तो संभल कर हमको गणेश उपासना करना है। तो मैंने आपको गणेश जी से धर्म भी जोड़ा, गणेश जी से अर्थ भी जोड़ा, आइए ना अब जोड़ते हैं काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ये चार बातों का मतलब आना चाहिए, यही पुरुषार्थ है। काम का अर्थ है ऊर्जा का उपयोग, काम का अर्थ है पुरुषार्थ, काम को आप कह ले पैशन। अब देखिए हमारे गणेश जी महाराज हर चीज में पुरुषार्थ बनाए रखते हैं। कुछ प्रतीक तो ये बताते हैं कि हमेशा काम आओ दूसरों के। यदि आप विचार करें तो ओम शब्द ये दुनिया की पहली ध्वनि है। परमात्मा ने इस संसार में जब पहला प्रवेश किया था तो ओम की ध्वनि आई थी। ये ध्वनि परमात्मा के प्रतिनिधि है, प्रतीक है ओम। और जब आप ओम बनाते हैं तो गणेश जी के लिए भी ओम बनाया जाता है। अभी भी हमारे यहाँ पूजा में गणेश की प्रतिमा ना हो भगवान गणेश जी की तो आप ओम बना लीजिए, तो उनको गणेश मान लिया जाता है। देखिए कैसे काम आते हैं। श्री, श्री लिख दीजिए आप तो गणेश जी का प्रतीक हो जाता है, जबकि श्री लक्ष्मी के लिए कहा गया है। एक हमारे यहाँ स्वस्तिक चिन्ह है, स्व अस्ति, सारा शुभ हो जाए, उस स्वस्तिक को भी गणेश जी का प्रतीक माना गया है, शुभ और लाभ के देवता है। पूगी फल, सुपारी, पूगी का अर्थ होता है समूह, सुपारी गुच्छे में उगती है और गणेश जी की पूजा में सुपारी को गणेश बना के रख देते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग करने देता है। ये अद्भुत अवतार हैं, अद्भुत देवता हैं। आप गणेश जी का कितनी जगह उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, कुछ शास्त्रों में गणेश जी को विवाहित भी बताया है,
उनका विवाह हुआ है। गणेश जी के लेफ्ट साइड यानी बाएं हाथ पे सिद्धि देवी बैठी हैं। सिद्धि, उनके सीधे हाथ पे बुद्धि देवी बैठी हैं। उनको सिद्धि से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्षेम, बुद्धि से जो पुत्र हुआ उसका नाम लाभ। ये गणेश जी का परिवार है। सिद्धि कौन नहीं चाहता। सिद्धि का सीधा सा अर्थ है आपके पास कुछ ऐसा हो जो दूसरों से अनूठा हो। अष्ट सिद्धि, आठ सिद्धि होती ना, अणिमा महिमा गरिमा लगीमा प्राप्ति प्राकाम वशित और ईशत। गणेश जी दे रहे हैं, उनकी अर्धांगिनी है। क्षेम, क्षेम मतलब कुशलता। परिवार देखिए आप, और उनके जो राइट हैंड पे बैठी हैं वो बुद्धि देवी हैं। तो विवेक के देवता ने बुद्धि को भी सहयोग दे दिया और लाभ का जन्म हुआ। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि लाभ जीवन में होना चाहिए, हानि से बचे। शुभ लाभ लिखते हैं कि नहीं अपन लोग? लाभ तो होना चाहिए। कुछ ऐसा काम करिए। अच्छा बताइए ना, ये क्यों कर रहे हैं हम? ये जो आयोजन हो रहा है किसके लाभ के लिए? हमारी नई पीढ़ी के लाभ के लिए। हम अपनी नई पीढ़ी को विवेक देकर प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जब आप सफलता की यात्रा पे चलेंगे बच्चों, तो आपके जीवन में सदैव ऐसा नहीं होगा कि आप सफल हो जाएं, लेकिन विवेक जगा के रखना तो लगे रहना, खुद ब खुद आ जाएंगी जलती मशाले हाथ में। राजकुमारी रश्मि ने लिखा है कि खुद ब खुद आ जाएंगी जलती मशाले हाथ में, थोड़ी देर तो बाजू उठाकर देखिए। बस इसलिए विवेक से जुड़े रहें, ऐसा मेरा आग्रह रहता है। देवियों और सज्जनों, हमारे गणेश जी महाराज के स्वरूप में दांत भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनको क्या कहा गया? एक दंत। पहले दो थे, फिर एक रह गया। ऐसा कहते हैं देवांतक से युद्ध में एक दांत टूटा। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि परशुराम जी से एक बार गणेश जी का जब युद्ध हुआ तो उनके फरसे के प्रहार से एक दंत रह गए। पर एक दंत का एक और बड़ा अच्छा अर्थ है, एक दृष्टि, भेदभाव नहीं, एक भाव, संभाव। अब सूंड देखिए, वक्र तुंड कहा गया है, तुंड सूंड, ये मुड़ी हुई है, वक्र तुंड है। हमारे जीवन में माया, इल्यूजन, जादू वक्र की तरह है। लेकिन आप गणेश जी से विवेक प्राप्त करें तो इस माया के वक्र रूप को, इस माया के वक्र स्वरूप को आप तोड़ सकेंगे, निकल सकेंगे। गणेश जी की सूंड तो आप देखिए कि सारी ताकत वहीं से निकलती है, इतनी ताकतवर है कि बड़े से बड़ा वृक्ष उखाड़ दे और छोटी से छोटी सुई भी उठा ले। अभी भी आप कभी देखिए, सुई दें, छोटा सा फूल दें, मूंगफली का दाना दें, 5-10 पैसे का सिक्का दें, सूंड में रख के ऊपर महावत को दे, अभी भी प्रयोग देखना, उसी से इतनी ताकत कि पेड़ उखाड़ दें। क्या बोल रही है? बड़े से बड़ा काम करो तब भी वही पैशन हो, छोटे से छोटा काम करो तब भी वही एकाग्रता हो। कोई काम बड़ा कोई छोटा नहीं है, आपका तरीका, आपकी नीयत क्या है। तो वक्रतुंड बन के गणेश जी महाराज हमको ये भी सिखा रहे हैं। अच्छा, इनका वाहन क्या है? वैसे सामान्य रूप से तो चूहा इनका वाहन है, मूषक। पर इन्होंने जब वक्रतुंड अवतार लिया तो सिंह को वाहन बनाया, जब विघ्नराज अवतार लिया तो शेषनाग को वाहन बनाया। इनके अवतारों में वाहन भी अलग अलग हैं, कहीं इन्होंने मोर को भी बनाया, लेकिन मोटे तौर पर प्रचलित जो है, मान्य जो है, चूहा इनका वाहन है। अब ये तो बहुत बड़े, बहुत विशाल हैं और बैठे हैं चूहे पे। लेकिन बहुत सारी व्याख्या है, चूहा कुछ कुतरता है तो हमको भी ये सब जाल जिंदगी के कुतरना आना चाहिए, तेजी से भागता है। और सबसे बड़ी बात तो छोटे से छोटी बात का भी सदुपयोग करना सिखाते हैं गणेश जी।
हमको बताते हैं कि जीवन में कोई बात छोटी नहीं होती, कोई वस्तु छोटी नहीं होती, कोई व्यक्ति छोटी नहीं होता। पता नहीं कौन कब किस स्थिति में आपके काम आए, ये अकल ये समझ होना चाहिए। हमको ये सुविधा मिली पार उतरने को, सेतु तो है मोम का और आग का दरिया। कठिन टाइम है ये, इस संसार में आप ऐसे नहीं निकल सकते। आपको जो निकलने के लिए ब्रिज दिया गया ना, वो मोम का है, लेकिन आग लगी समुद्र में और फिर भी पार जाना है। तो जब इतनी कठिन परिस्थिति आए तो जो गणेश जी का व्यक्तित्व है वो हमको कई बार ये समझा रहा है कि भाई ऐसे कर लो, और यही तो विवेक है। इसलिए हम बात कर रहे हैं अभी पंचदेव की, उसमें सबसे पहले हम गणेश जी को ले रहे हैं। विषय हमारा कलयुग का चल रहा है और उसमें हमारी चल रही प्रोफेशनल लाइफ। तो जितना आप पढ़ लिख रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, ऊपर जाना है, उस सब के पीछे अगर गणेश जी से जुड़े हैं तो आपको बहुत सारी बातें बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएंगी। विवेक का बड़ा महत्व है। तो देवियों और सज्जनों, हमको विचार तो करना पड़ेगा, और इसीलिए इस विचार को परिपक्व करने के लिए विवेक की जरूरत पड़ती है। अब हम चलेंगे गणेश जी के साथ पुरुषार्थ के चौथे चरण में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष का अर्थ अगर आप ये लगा लें कि मृत्यु के बाद कोई धाम होगा, मरने के बाद वहां जाया जाता है, तो ये हमारी भूल हो सकती है। उसकी शाब्दिक परिभाषा हो सकती है कि मोक्ष लेने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, मोक्ष वाले को वैकुंठ मिल जाता है, पर इसका अर्थ क्या है? वैकुंठ का अर्थ यह है परमात्मा की निकटता मिलने वाला स्थान। अब आप घर में भी उतार सकते हैं, अगर आप घर में परमात्मा के निकट हो जाएं तो यही वैकुंठ है, यही मोक्ष है। जिन क्षणों में आप शांत हैं उन क्षणों में आप मुक्त हैं, मोक्ष प्राप्त हो गया। ये भी एक परिभाषा है, और ये परिभाषा गणेश जी के चरित्र से समझ में आती है। आपको ध्यान हो कि मैं याद दिलाता रहता हूं कि हम कलयुग में पंचदेव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रकृति पांच तत्वों से बनी है। इसका जो दल जल तत्व है हरिओम, उसके प्रतिनिधि गणेश जी है। इसका जो अग्नि तत्व है उसकी प्रतिनिधि दुर्गा देवी है। इसका जो आकाश तत्व है उसके विष्णु जी हैं। इसका जो वायु तत्व है उसके सूर्य हैं। और इसका जो पृथ्वी तत्व है उसके शिव जी हैं। अब ये पंच तत्व के पांच देवता हैं। हम बात कर रहे हैं जल तत्व के प्रतिनिधि देवता गणेश जी की। अब इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ें। आप कोई काम करते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, राजनेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, गृहिणी हो, स्टूडेंट हो, कोई हो, वैज्ञानिक हो, ये पंच तत्व के बिना काम चलेगा नहीं। उपयोग तो करते ही हैं, जानकर करें अनजाने में करें, लेकिन आपका तालमेल उससे होगा ही। और एक जिसको कहते हैं ना कि वेल मैच्योर्ड प्रोफेशनल लाइफ वाला व्यक्ति अपने कामकाज को पंच तत्व से जोड़ के रखता है कि मुझे इनका ठीक से उपयोग करना है। और ये पांच तत्व हमारे शरीर में भी हैं, बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। इनका बैलेंस बना रहे आप स्वस्थ, इनका बैलेंस बिगड़ जाए आप अस्वस्थ। इसलिए मेरा ऐसा निवेदन रहेगा कि आप इस पंच तत्व को समझें। इसलिए पंच तत्व को ठीक से समझना चाहिए, और ये काम विवेक कराएगा। ये बात मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूं। हमने गणेश जी की गृहस्थी भी देखी, सिद्धि बुद्धि क्षेम लाभ, ये पूरा परिवार। फिर शिव जी की गृहस्थी देखी जिसमें गणेश जी हैं, सारे विरोधाभास शिव जी की गृहस्थी में दिखेंगे। उनमें से गणेश जी भी हैं, लेकिन फिर भी अद्भुत गृहस्थी है।
आज हम लोगों के जीवन में हमारी प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करते हुए फैमिली लाइफ से कैसे बैलेंस बनाया जाए, ये बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंज है। अभी चूंकि हम शिव जी गणेश जी की गृहस्थी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा अपनी गृहस्थी से भी जोड़ते चलें कि कई बार हमारी गृहस्थी में हमारी परीक्षा होती है। अपने जो हमसे मांग करते हैं, कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जब डिमांड सामने आती है, तो हमारे लिए बड़ी चुनौती आ जाती है कि हम इनकी इच्छा, हम इनकी मांग को कैसे पूरी करें। और परिवार चलता मांग पे है, हर एक एक दूसरे से कोई मांग कर रहा है, कोई उम्मीद कर रहा है। और हमारे परिवारों में ऐसा होता है, और ख़ास तौर पे पति पत्नी के रिश्ते में, इसमें अपेक्षा मांग बहुत अधिक है। क्योंकि ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, ये बाहर से आया हुआ रिश्ता है। वो जो वंश है ना, वो जो परिवार है, उसमें ये बाहर से आया है। स्त्री के जीवन में पुरुष किसी और परिवार से आया है, पुरुष के जीवन में जो स्त्री पत्नी बन के आई है, वो किसी और परिवार से आई है, और यहाँ इनका मिलन होता है। और जब उनका मिलन होता है, तो इन दोनों के जीवन में, इनके पूर्व परिवारों में जो घटनाएं घटी हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसका जो बिहेवियर है, उसका तालमेल अभी नहीं बैठता। मनोवैज्ञानिक रूप से बात करें स्पाउस रिलेशनशिप की, गणेश जी के माध्यम से, और जब तालमेल नहीं बैठता तो तनाव शुरू हो जाता है। ऐसे में जब एक की इच्छा हो, कोई भी मांग हो, तो उसे दूसरे को बड़े धैर्य से निभाना चाहिए। यदि पत्नी कोई मांग कर रही है, तो पति को बड़ी धैर्य से उस मांग को सुनना है, उसको पूरा करना है या नहीं करना है, लेकिन उसमें धैर्य चाहिए। ठीक, यही पत्नी को करना है। और जो इस इच्छा को निभाना सीख गया, वो गृहस्थी की नैया पार लगा लेगा। और जिसको ये निभाने की कला नहीं आई, ये धैर्य नहीं आया, उसकी गृहस्थी कलह में डूब जाएगी। और ये जो निभाने की कला है, ये जो धैर्य है, ये जो समझ है कि कौन सी मांग पूरी करना, कौन सी ना करना, कहाँ हाँ करना, कहाँ ना करना, यही काम विवेक कराता है। इसलिए हमारी गृहस्थी में गणेश जी का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बात निकली है तो एक बात करते चलें कि जब भी कोई पति पत्नी का रिश्ता बने, नया रिश्ता बनेगा ही, तो इन दोनों को ही, पुरुष को और स्त्री को, चार बातें ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात होगी अपने जीवन साथी की निजता का ध्यान रखें, निजता। उसकी अपनी एक प्राइवेसी है, उसकी अपनी एक निजता है। चाहे जीवन साथी कह रहा हूं, मतलब पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। तो पहली बात ध्यान दीजिए, अगर आप स्पाउस रिलेशनशिप अच्छी रखना चाहते हैं, उसमें विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं, तो विवेक सिखाता है कि चार बातें ध्यान में रखना। पहली, निजता का ध्यान रखें। हर एक की अपनी एक निजता, अपनी एक मौलिकता, एक मूल स्वभाव होता है, उसके साथ कभी छेड़छाड़ न करें। थोड़ी बारीक बात है, पर आप मेरी बात को ध्यान से सुन लें। यदि आप विवाहित हैं या विवाह करने जा रहे हों, तो विवेक सिखाता है कि अपनी पत्नी की मौलिकता, मूल स्वभाव, निजता के साथ छेड़छाड़ ना करें। दूसरी बात, अपने जीवन साथी का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में उसकी मदद करें। बहुत सारे जोड़े को तो यही नहीं मालूम है कि मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ का लक्ष्य क्या है और मैं इसकी कैसे मदद करूं। पहले ये तो पता लगाओ लक्ष्य क्या है, फिर पूरा करो, ये दूसरी बात। तीसरी बात, घर के सदस्यों की व्यक्तिगत इच्छा और रुचि का सम्मान करिए। आपकी फैमिली में जो मेंबर हो, आपकी सासू हो,
ससुर हों, पिता हों, माँ हो, देवरानी, जेठानी, भाभी और भी रिश्ते होंगे, थोड़ा सा वॉच करिए कि उनके उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, उनकी हैबिट्स क्या हैं, रुचि और इच्छा दो शब्द दिए मैंने, उसका सम्मान करिए। किसी को कुछ अच्छा लगता है तो खिल्ली ना उड़ाएं, सम्मान करिए कि अच्छा आपको ये लगता है, वो बड़ा खुश होगा। और चौथी बात, अपने जीवन साथी की यदि कोई मांग आपके सामने आए तो कभी भी सीधे इनकार न करें। जिसको कहते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी ना करें। कोई मांग आई है तो धैर्य से सुने, क्योंकि इनकार में दो बातें होती, असहमति और विरोध। जब आप किसी को इनकार करते हैं तो देखिए असहमत हैं कि विरोध कर रहे हैं। घर में असहमति चलेगी, घर में विरोध नहीं चलना चाहिए। मैं आपको फैमिली मैनेजमेंट का सूत्र दे रहा हूं जब हम गणेश जी की बात कर रहे हैं, इसलिए असहमति का विकृत रूप विरोध होता है। अरे घर में क्या किसी का विरोध भाई, कोई विधानसभा लगी है, कोई राजनीति हो रही है, कोई प्रोफेशनल वो चल रहा है कंपटीशन, घर है ये। हाँ असहमति हो सकती, विरोध न करें। और असहमति से निपटने के लिए धैर्य काम आएगा, और जब धैर्य से परिवार में असहमति का प्रस्तुतिकरण होगा तो कभी अशांति नहीं आएगी। तो हम गणेश जी महाराज के गृहस्थी से, शिव जी महाराज की गृहस्थी से सीखें, क्या विरोधाभास था शिव जी की गृहस्थी में, सर्प और मयूर एक साथ, शिव जी के गले में सर्प, वो मयूर पर बैठे हुए हैं कार्तिकेय, इनके पास बैल, दुर्गा जी के पास सिंह। ये प्रसंग कई बार सुना होगा आपने, ये रूपक ध्यान से देखिएगा। सांप चूहे को खाता है, चूहा भी इनके पास है, और इसी परिवार में हनुमान जी भी हुए, रुद्रावतार बने, शिव जी का अंशावतार हनुमान जी महाराज। तो थोड़ा विचार करिए कि परिवार इसी का नाम है कि एक छत के नीचे जितने मेंबर उतनी दुनिया। तो विवेक बनाए रखना। जब मैं किसी के घर में गणेश जी की प्रतिमा देखता हूं, और मैं अगर 100 घर में जाता हूं तो 99 घर में गणेश जी होंगे, लेकिन कितने घर वाले जानते हैं कि यदि हमने गणेश जी बैठाए हैं तो हमको समझना चाहिए कि गणेश जी घर में होने का क्या अर्थ है। गणेश जी का अर्थ ही है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ बैलेंस हो जाए। और चलिए गणेश जी के स्वरूप के जब दर्शन करें तो एक बात बड़ी प्यारी है, उनके हाथ में मोदक हैं, लड्डू, मिष्ठान का प्रतीक लड्डू। ऐसे बोलते ना मन में लड्डू फूट रहे हैं, ऐसा कभी नहीं बोलते मन में गुलाब जामुन फूट रहे हैं, जलेबी फट रही, ऐसा नहीं बोलते। लड्डू समुची मैं तो कहता हूं मिष्ठान व्यवस्था का प्रतिनिधि है, और जीवन को मीठा रखिए, वाणी में मिठास हो, सोच में मिठास हो, आचरण में मिठास हो। कथा तो ये भी आती है कि लड्डू बनाए पार्वती जी ने तो कौन पहले खाए, लगाओ परिक्रमा, कार्तिकेय लंबी परिक्रमा पर निकला, गणेश जी ने इन्हीं की परिक्रमा लगाई और जीत गए, ऐसी भी कथा आती है। और एक बात के साथ मैं समापन करना चाहूंगा कि गणेश जी का जो उदर है, पेट, टमी, वो बड़ी है। ये प्रयास का नहीं, ये सोचने का विषय है कि इसको कहते हैं सहनशीलता। हमारे पेट में हर बात पचाली जाएगी। और इनका पेट लंबोदर जैसा है, इसलिए देवियों और सज्जनों कुल मिला के एक बात हाथ लगी, इतनी चिंतन इतनी चर्चा मैंने की, विवेक, डिस्क्रिशन। आप गणेश जी के वक्रतुंड रूप को, आप गणेश जी के धूम वर्ण रूप को, एक दंत रूप को, महोदर लंबोदर विकट, किसी भी रूप को देखें, विघ्नराज गजानन गणेश जी,
ध्यान रखना आप, सारे स्वरूप सारे अवतार एक ही बात सिखाते हैं, बुद्धि के साथ विवेक होना चाहिए। जो काम करो उसमें शुभ और लाभ हो। एक महात्मा जी मंदिर में गए, उनके साथ कुछ लोग और थे, और मंदिर की मूर्ति को देख के महात्मा जी मुस्कुराए और उनके मुंह से निकला कि ठीक ही कहा था आपने। तो पास के लोगों ने कहा कि भाई आप भगवान की मूर्ति को देख के मुस्कुरा रहे, आपके मुंह से निकला ठीक ही कहा था आपने, तो ये क्या कहना चाहते हैं आप भगवान से। तो उन्होंने कहा जब मैं मंदिर में आया तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ और निराला था, सारे मंदिरों में बोर्ड लगता है कृपया जूते उतार के आइए, ऐसा लिखा रहता है, लेकिन इसमें लिखा था जूते और बुद्धि दोनों उतार के आइए। लिखने वाले ने भी कमाल किया, तो मुझे हंसी आ रही है, शायद भगवान ने लिखवाया हो। मंदिर में बुद्धि के साथ नहीं जा सकते, मंदिर में हृदय के साथ जाना चाहिए, दफ्तर में बुद्धि के साथ जाना चाहिए। लेकिन लोग मंदिर में भी बुद्धि चलाते हैं, ये किसने दान किया, वो किसने दान किया, यही तो विवेक है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा आज के बाद जब भी किसी गणेश मंदिर में जाएं, पूरे गणेश जी के स्वरूप को क्लॉकवाइज देखिएगा और एक एक बात प्रतीक बन रही है, और फिर उसको अपने जीवन से जोड़िएगा। विवेक होना चाहिए बोलने में, विवेक होना चाहिए सोचने में, विवेक होना चाहिए भोजन में, विवेक होना चाहिए भोग विलास में। तो चलिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ एक छोटी सी घटना सुना के। कैसे विवेक चला जाता है तो वक्ता भी कुछ भी बोलता रहता है, ऐसा मुझे, मैं खुद एक वक्ता हूँ तो मुझे ये घटना बड़ी अच्छी लगती है। एक वक्ता थे, प्रतिष्ठित थे, मान्य थे, तो उनको एक पागल खाने में पागलों को मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया और उनसे कहा गया कि भई ये तो पागल लोग हैं, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते, तो आप अधिक से अधिक आधा घंटा बोलिएगा। और पागलों को समझा दिया गया कि जो बोलने आए आप गर्दन हिलाना, कभी कभी हंस देना, तौलियों को बजाना, तो बस काम चालू। इनने बोलना शुरू किया, बीच बीच में तालियां बजती रहीं, तो 30 मिनट के बाद बोलते ही रहे, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा हो गया। वक्ता को लग रहा है जो मैं बोल रहा हूं इनको आनंद आ रहा है, बोलते चले गए। एक पागल खड़ा हुआ और पागल खाने के अधिकारी के कान में कुछ बोला और बैठ गया, तो इन्होंने अपना वक्तव्य विराम दिया और कहा ये क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस आप समापन कर दें। बोले नहीं नहीं बताइए ना, वक्ता को इसमें रुचि भी होती है कि श्रोता की प्रतिक्रिया क्या है। तो उन्होंने पागल खाने के अधिकारी से कहा, वक्ता ने नहीं बताइए बताइए। बोले आप तो अपना पैकअप करिए, नहीं बताइए क्या बोल रहा है। बोले वो पागल ये बोल रहा है कि देखो ये जो है आपको दिखा के कि देख लो आप, हम अंदर और ये बाहर। पागल कौन, पागल तक समझता है कि आप कब पागल बन कर रहे हैं। एक विवेक ऐसा है जो आपको मनुष्य पशु होने का अंतर बताएगा, मनुष्य में भी श्रेष्ठ होने की संभावना उजागर करेगा। तो मित्रों, हमने बात पूरी करी कलयुग प्रोफेशनल लाइफ की, गणेश जी को याद किया, अगली बार चलते हैं फिर पंचतत्व से एक देवता लेंगे। पर मैं आग्रह करूंगा कि इस नई पीढ़ी को जहां तक आपका वश चले गीता प्रेस के साहित्य से जुड़ी है। हम 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि इन 100 वर्षों में जो तप तपस्या हमारे जय दयाल गोविंदका जी ने, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, पूजनीय स्वामी राम सुखदास जी ने और ऐसे अनेक लोगों ने की, उनका जो तप है आज भी प्रवाहित है, बस उतर जाए हमारे बच्चों में, इसी कामना के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। तो अभी आप शांतम से पंडित विजय शंकर मेहता जी के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे थे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सप्ताह एक क्विज के द्वारा आपके ज्ञान को भी ना केवल परखा जाता है बल्कि इसको निखारने का भी प्रयत्न किया जाता है, और हमारा ज्ञान रथ ऐप इसमें पूर्ण रूप से सहायक है।
पिछले सप्ताह का प्रश्न था, माता सीता का हरण किसने किया था, बाली, रावण, कुंभकर्ण या मेघनाथ? सही जवाब है रावण। ज्ञान रथ ऐप को देखने से पता चलता है कि पिछले सप्ताह के क्विज के विजेता है सुश्री रंजना इंदौर मध्य प्रदेश, श्री सूरज बंगलुरु कर्नाटका, श्री नारायण दास जद चेरला तेलंगाना। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बताते चले कि आपको आपका पुरस्कार जल्द ही मिल जाएगा। इस सप्ताह का प्रश्न है, इस सप्ताह का प्रश्न है, उस गिद्ध का नाम क्या था जो माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया? संपाती, नल, जामवंत या जटायु? आपके उत्तर देने की आखिरी तारीख। अब समय की कमी को देखते हुए आपको बताते चले कि आप सभी अपने अपने उत्तर ज्ञान रथ ऐप पर भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी तथा पुरस्कारों की जानकारी नीचे दी जा रही है। इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर से आप और हम मिलकर ज्ञान ध्यान धर्म की इस पावन गंगा में गोते लगाएंगे और शिक्षा स्वास्थ्य संस्कार के साथ साथ राष्ट्रवाद के नारे को भी बुलंद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान, जय हिंद। This program was sponsored by DNS Group Bengaluru. Hard work is mantra for success. DNS Polyfab Private Limited के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS Polyfab यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ DNS Polyfab पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1,00,000 टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9113287947। धन्यवाद।